राजधानी देहरादून में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और इस वक्त हम राजधानी के सेंटर घंटाघर पर मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ ठंड का मौसम है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ अलाव यहाँ जलाए हुए हैं, लोग आ रहे हैं और ताप रहे हैं। भारी संख्या में अगर देखा जाए तो डिमांड यहाँ पहुंचे हैं और न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं। परेशानी ना हो उसके लिए पुलिस पूरी तरह यहाँ सतर्क है और न सिर्फ आज बल्कि कल से अगर देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ तैनात है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो शहर का जो घंटाघर है उसको आज देहरादून के इतने लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं एक भारी संख्या में। आप देखेंगे यहाँ पूरा जो जमावड़ा लोगों को लगा है और ये सिर्फ आज यहाँ पहुंचे हैं जश्न मनाने के लिए नए साल का। लोग गए हैं पहाड़ों पर जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, धनौल्टी जा रहे हैं, लेकिन अगर दून के लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पहुंचे हैं घरों से, ठंड में जरूर लोग निकले हैं। आप पहुंचे हो न्यू ईयर है तो क्या कहेंगे? मौसम ठंडा है उसके बावजूद आप आइसक्रीम ना खाई जाए न्यू ईयर पे, आप क्या फायदा। मैं तो सबको यही कहूँगा कि सब लोग आए और नए साल का नए सब कुछ आप ठंडा तो पूरा है सभी जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं और सब हैप्पी ईयर बोल रहे हैं। जब कोई भी जश्न जब देहरादून में मनाया जाता है, देश में मनाया जाता है, तो एक याद आती है घंटाघर की, लोग घंटाघर जरूर पहुंचते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और भी बहुत पहली बार घंटाघर में चलिए देखे जाए तो काफी संख्या में तो बहुत लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं नए साल के जश्न के लिए और आपसे पूछते इस बात की जश्न की तैयारियां तो शाम से ही चल रही थी। लोग यहाँ आ रहे थे लेकिन अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और जश्न यहाँ देहरादून में मना रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैनी के साथ आदिल पाशा।